अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 4 है। पिछले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं बैंक रिकाउंसिलेशन के। आज हम बैंक रिकाउंसिलेशन का प्रैक्टिस सेट 4 समझेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। अब हमारे पास इसमें जो जिक्र आता है वो ओवरड्राफ्ट का आता है। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास ओवरड्राफ्ट वाला है। देखें, पहले एंट्री पढ़ते हैं ज़रा। बैलेंस एज पर कैश बुक 17,700। कैश बुक में हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? 17,700 रुपीज़ पड़े हैं। क्लियर? और आगे लिखा एंड पर बैंक स्टेटमेंट 34,000 ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट आ जाए या डेबिट आ जाए तो इसका मतलब हमारी अमाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट में माइनस पड़ी है। अब माइनस में किन सूरत हाल में जाती है, अब ज़रा आपको एग्जांपल दे दूँ, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे तो तब समझ आएगी। देखें, आप लोग बैंक में जाते हैं, आपको 15,000 की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको पता है कि हमारे बैंक में 10,000 पड़े हैं। आप गए बैंक, आपने बैंक वालों से कहा कि भाई हमें 15,000 रुपये की ज़रूरत है। क्लियर? तो बैंक वाले कहते हैं कि सर आपके अकाउंट में तो टोटल 10,000 पड़े। तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे ऊपर अवर ज़्यादा पैसा दे दे। अवर ड्राफ्ट का मतलब ऊपर ज़्यादा पैसे ले लेना, यानी आपने उनसे 10,000 अपने पे ले लिए और 5,000 ऊपर आपने ज़्यादा ले लिए। तो आपका 5,000 जो आपने ऊपर ज़्यादा लिया है तो आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला गया। वैसे ऐसी सिचुएशन होती नहीं है, लेकिन आप लोग समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि माइनस में किन सूरत हाल में जाती है। क्लियर? तो आपने ऊपर ज़्यादा पैसे निकाल लिए तो अब आपका बैंक बैलेंस कहाँ चला गया? -5,000 में। अब जब बैंक वाले स्टेटमेंट भेजेंगे तो वो उसके साथ लिखेंगे कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5,000, ओवरड्राफ्ट भी लिखा हो सकता है या ये भी लिखा हो सकता है कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5,000। इससे आपको पता चलता है कि बैंक वाले कह रहे कि भाई हमने आपसे पैसे लेने हैं। डेबिट का मतलब लेन, यानी हमसे पैसे लेने, तो इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस माइनस में। क्लियर? और ये भी आ सकता है कि लिखा हो कि ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से पता चल गया कि हमने ऊपर ज़्यादा पैसे निकाले। तो अब यहाँ पर जिक्र हुआ कि 34,000 ओवरड्राफ्ट, तो जब ओवरड्राफ्ट आ जाए या डेबिट बैलेंस आ जाए तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट में माइनस में अमाउंट लिखेंगे। 34,000 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस में है और अकाउंटिंग का रूल है, जब अमाउंट कोई माइनस या माइनस करते हैं तो आप लोग उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वही सिचुएशन आएगी जो हम पहले करते आ रहे थे। सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन को रीड आउट करेंगे, जहाँ प्लस लगना है वहाँ प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस लगना है वहाँ माइनस लगाएंगे। क्लियर? अच्छा, बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक वालों ने हमसे सर्विस के पैसे काट दिए, बैंक से तो माइनस हो गए, आप लोग कहाँ से माइनस करेंगे? कैश बुक से। इसके साथ मैंने सी माइनस लिख लिया। क्लियर? कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, बैंक वाले ने हमारे वादे नामे के पैसे वसूल कर लिए, बैंक में तो जमा हो गए, हम लोग कहाँ पर जमा करेंगे? कैश बुक में। ये सी प्लस हो गया। क्लियर? अब आती है एरर वाली एंट्री, कंपनी पेड 5,200 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹2,500। दोबारा एरर वाली एंट्री आ गई। क्लियर? अब ज़रा समझाता हूँ कि अगर इस तरह एरर वाली फिर से आ जाए तो आप लोग इसको डायरेक्ट दुरुस्त कैसे करेंगे। पहले तो सिचुएशन बता देता हूँ। आपने दिया है 5,200 को निकाल लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने 5,000 का चेक दिया, बैंक से कितने निकलेंगे? 5,000 बैंक से निकल गए। आपने कैश बुक से 2,000 माइनस कर दिए, अब कैश बुक से आपने 2,000 माइनस किए तो आपको कितने माइनस करने? आपने 5 माइनस करने थे, लेकिन आपने 2 माइनस कर लिए, कम माइनस किए ना। अगर आप लोगों का इस तरह माइंड क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोगों को इसी तरह प्रॉपर तरीके स्केच बना के दे देता हूँ। ये कैश बुक का कॉलम है, ये बैंक स्टेटमेंट का कॉलम है। अब हुआ क्या है कि कैश बुक में 5,000 हैं और बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बेटा, हमारे पास 5,000 का जिक्र होता है, आप लोग इमेजिनरी अमाउंट ज़्यादा रखेंगे, 10,000 रख दिया हमने, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। 10-10,000 दोनों साइड है। हमने चेक कितना दिया? 5,200 रुपये का। एग्जाम्पल दे रहे हैं, 200 निकाले ताकि आप लोग कैलकुलेशन में और ज़्यादा आसानी हो। आपने चेक दिया 5 का, बैंक से कितने माइनस होंगे? 5,000। यहाँ बकाए कितने बच गए? यहाँ हमारे पास बच गए 5,000, लेकिन आपने अपनी कैश बुक से 2,000 माइनस कर दिए, यहाँ बकाए कितने बच गए? यहाँ हमारे पास बकाया बच रहे हैं 8,000। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसके बराबर आ जाए, 8,000 तो माइनस किए हुए हैं, 2,000 तो माइनस किए हैं, अब हम क्या करेंगे? 3,000 हमने और माइनस कर दिए तो हमारे पास 5,000 के दोनों बराबर हो गए। तो जब कैश बुक की गलती हो तो आप लोग कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, और जब बैंक स्टेटमेंट की गलती हो तो आप लोग फिर बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। देखें, लिखा हुआ है 5,200 का आपने चेक दिया। मैं कहता हूँ क्लास से 5 बंदों को बाहर निकाल दो, आपने 2 बंदों को निकाल दिया,
मैं कहता हूँ भाई मैंने तो आपको 5 के बोला था, आपने 2 क्यों निकाल दिए, तो आप लोग क्या करोगे, 3 बंदों को और निकाल देंगे तो 5 के बराबर हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, दोनों का बेटा डिफरेंस निकालेंगे तो 2700 रुपये आ रहा है, सी माइनस 2700 रुपीज़ हम लोग इससे माइनस करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक तो आपको पता है कि बी प्लस को कहते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट में बी प्लस है, अनप्रेजेंटेड चेक में बी माइनस आ गया, अच्छा डिसऑनर चेक सी माइनस है। तो जो सिंपल हमने, मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो सब पहले लेक्चर में सारे पॉइंट समझाए थे, तो वो पॉइंट सारे से रिलेटेड हम डायरेक्ट बी प्लस बी माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, वो सारी जो बैक की सिचुएशन है सारी क्लियर है हमें। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अच्छा 17,700 कैश बुक में है और बैंक स्टेटमेंट में 34,000 माइनस में है, दोनों अमाउंट अनएडजस्टेड है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अनएडजस्टेड बैलेंसेस। क्लियर, ये लिख लिया। अब आते हैं सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टमेंट इन कैश बुक, क्योंकि हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट किस में करनी है, कैश बुक में करनी है। सबसे पहले आप लोग यहां पर ऐड लिखेंगे, वही तरीका है, कैश बुक का कॉलम पहले, तो कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर, सबसे पहले ऐड लिखा, सी प्लस वाली कौन सी एंट्री है, सीरियल नंबर 4, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, आपने नोट वसूल किया तो यहां पर लिख लेंगे नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल लिखा, साथ में 3500 रुपीज लिख लिया। क्लियर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी सी प्लस वाली एंट्री नहीं है, सी प्लस वाली एक एंट्री जो हमने रिकॉर्ड कर ली। क्लियर, अब यहां पर लाइन लगा के इस अमाउंट को हम लोग वहां ट्रांसफर कर देंगे 3500 रुपीज को। वैसे तो हम लोग यहां अमाउंट प्लस करके उधर ट्रांसफर करते हैं ना, एक ही एंट्री थी तो उसको एज इट इज उठा के यहां पर लिख लिया। अब 17,700 में 3500 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,200 आ जाएगा, ऐड हो गया। अब हम लोग यहां पर लेस लिखेंगे, अब जो सी माइनस वाली एंट्रीज है वो हम लोग यहां पर पुट करेंगे। क्लियर, सी माइनस वाली पहली एंट्री हमारे पास सीरियल नंबर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक सर्विस चार्जेस का अमाउंट क्या है 500, ये लिख लिए हैं। इसके बाद सीरियल नंबर 5 आ रहा है, ये वाला एरर वाली एंट्री आ रही है। क्लियर, तो आप लोग नंबर 5 लिखेंगे यहां पर, डायरेक्ट लिख लेंगे एरर इन कैश बुक, 5,200 में से 2,500 का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल 2,700 रुपये आ जाएंगे, तो 2,700 रुपये हम लोगों ने कैश बुक से और माइनस कर दो, वो भी लिख लिए। इसके बाद लास्ट वाली एंट्री है डिसऑनर चेक वाली, सीरियल नंबर 9, डिसऑनर चेक लिख लेंगे, डिसऑनर चेक की अमाउंट क्या है 8,000। इसके अलावा सी माइनस वाली कोई एंट्री भी नहीं है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये सारे माइनस वाली एंट्रीज है, इन सब को सम करके, इन सब को सम करके उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,200, ये माइनस वाली एंट्रीज है। क्लियर, अब जरा गौर से सुने, हुआ ऐसे कि बैंक से जब स्टेटमेंट आई तो हमने स्टेटमेंट सामने रख के कैलकुलेशन करें, क्लियर, कैश बुक को ठीक करें, हमने देखा बैंक स्टेटमेंट वालों ने हमसे हमारे नोट के पैसे वसूल कर लिए, बैंक में तो जमा हो गए थे, कैश बुक में हमने जमा नहीं किया, तो वो हमने लिख लिया अब हम जमा करने जा रहे हैं, तो हमने इसमें जमा किए तो हमें पता चल गया 21,200 बैलेंस हो गया। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे तो बैंक वालों ने हमसे सर्विस के पैसे काटे थे 500 रुपये, वो हमने लिख लिए। फिर इसके बाद एरर वाली एंट्री थी, यानी हमने 5,200 दिए थे लेकिन 2,500 माइनस किए थे, तो और डिफरेंस निकाला, हमें पता चला 2,700 रुपये और माइनस करने, तो वो हमने लिख लिए। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया डिसऑनर चेक, यानी बैंक स्टेटमेंट वालों ने जो स्टेटमेंट भेजी उसके साथ चेक भी रिटर्न कर दिया 8,000 का, तो बैंक स्टेटमेंट में जमा नहीं हुआ, हम लोगों ने जो कैश बुक में जमा किए तो हम लोग वापस माइनस करें तो 8,000 लिख लिए। इन सब को सम किया तो हमें पता चला टोटल 11,200 रुपये हमने कैश बुक से माइनस करने हैं जो हमने नहीं किए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 21,200 में से 11,200 चले गए तो हमारे पास बच गए बकाया 10,000 रुपये, ये हो गया हमारे पास कैश बुक की एडजस्टमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाइन लगा के इस अमाउंट को नीचे ट्रांसफर कर देंगे 34,000 को, क्योंकि अब हम लोगों ने एडजस्टमेंट किस में करनी है, बैंक स्टेटमेंट में करनी है, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे एडजस्टमेंट इन बैंक स्टेटमेंट, हेडिंग दे दी। सबसे पहले आप लोग ऐड लिखेंगे,
बी प्लस वाली एंट्रीज, क्लियर। अब जो बी प्लस वाली एंट्रीज है हमारे पास सीरियल नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है, अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक कितने हमारे पास 50,000, 50,000। और सीरियल नंबर 7 है डिपॉजिट इन ट्रांसिट, यानी कि लेट डिपॉजिट है, यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट डिपॉजिट 12,000 है। इसके अलावा और बी प्लस वाले कोई एंट्री नहीं है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सम करके बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा 62,000। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें ये अमाउंट माइनस में है, क्लियर, ये अमाउंट माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस ही करेंगे, लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो 62,000 में से 34,000 हमने माइनस किया, हमारे पास यहाँ बच गए 28,000 प्लस में, ये प्लस में आ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके बैंक में माइनस में 5,000 पड़े हैं, ठीक है, माइनस 5,000 रुपीज़ पड़े हैं, आपने बैंक वालों को 20,000 रुपये दे दिए, तो वो क्या करेंगे, आपका जो माइनस का 5,000 है वो माइनस कर देंगे और बाकी जो 15,000 रुपये रहेंगे वो आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस में आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, हमारे माइनस में 34,000 थे तो 62,000 बैंक में चले गए, तो बैंक वालों ने 34,000 से 62,000 34,000 माइनस किए, तो अब हमारा बैलेंस कहाँ चला गया, प्लस में 28,000 में चला गया। ये तो ऐड का खाता क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लेस लिखेंगे। अब जो बी माइनस वाली एंट्रीज है वो देखेंगे हम लोग। बी माइनस वाले हमारे पास एक एंट्री है, अनप्रेजेंटेड चेक, सीरियल नंबर 8 है, अनप्रेजेंटेड चेक, ये लिखा हमने। हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट कितनी है, 18,000। यहां पर हम लोगों ने 18,000 रुपीज लिख लिए, क्लियर। और कोई बी माइनस वाली एंट्री नहीं है, तो यहां लाइन लगा के बेटा इस अमाउंट को एज इट इज जुड़ा के यहां पर लिख लेंगे 18,000 रुपए। अब ये माइनस वाली एंट्री है, लेस वाली, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी 10,000 रुपीज आ गए, और यहाँ लाइन लगा के इस अमाउंट को भी नीचे ट्रांसफर कर देंगे। दोनों अमाउंट हमारे पास सेम हो गई। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एडजस्टेड बैलेंसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि जब ओवरड्राफ्ट आ जाए तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका था, माइनस में अमाउंट थी, जब ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस करके नीचे लिख लिया, फिर लेस आ गया तो लेस करके और नीचे लिख लिया, तो हमारे पास दोनों अमाउंट सेम हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलूंगा प्रैक्टिस सेट 5 में, कि जब उसमें हम लोगों को कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।